इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल यानी IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के मामले में सोमवार को बरेली के जिला जज कोर्ट की अदालत में सुनवाई हुई। तौकीर रजा के पेश न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मौलाना को फरार घोषित कर दिया है, साथ ही पुलिस को आगे की कार्रवाई का आदेश दिया है। अगली तारीख 8 अप्रैल तय की गई है। अगर मौलाना पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क हो सकती है। मौलाना तौकीर रजा को वर्ष 2010 के बरेली दंगे का मास्टरमाइंड बताकर ADJ रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने समन जारी कर उनको तलब किया था। पेश न होने पर कोर्ट की ओर से दो बार मौलाना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस बीच मौलाना इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए।